अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद कदीर अरफानी ऑटो लाहौर से। ये अब्दुल्ला भाई मेरे पास ये होंडा 94 लेके आए थे। अब्दुल्ला भाई बताएं, आप गाड़ी के अंदर क्या क्या फॉल्ट थे, आप कितने परेशान थे? सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि मेरी गाड़ी जो है ना पिक नहीं पकड़ी थी और ये चौथे गियर में जाके 80 नहीं क्रॉस करती थी, बैठ जाती थी गाड़ी ठीक है, लेकिन अब माशाल्लाह तीसरे गियर के अंदर 80 क्रॉस कर रही है और पिक भी स्मूथ हो गई है। पहले गाड़ी बंद हो जाती थी तेज छोड़ने से, वो भी ख़त्म हो गया है। गाड़ी का साउंड बेहतरीन हो गया। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है? ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आ रहा है, स्मूथ हो गई गाड़ी का मज़ा निकल। अब्दुल्ला भाई की गाड़ी है कमाल, ज़बरदस्त पिकअप हो गया। ये बड़े परेशान थे, मुझे कम से कम ये 10 दिन से फ़ोन कर रहे थे, मैंने इनको 10 दिन से भी कह रहे हैं ज़्यादा हो गया है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि गाड़ी इनकी बड़ी ज़बरदस्त हो गई, बड़ी परफेक्ट हो गई है। अब ये गाड़ी चलाएंगे ना तो इनको मज़ा आ जाएगा। ये स्विफ्ट क्या गाड़ी? 94 मॉडल है, जेन्युइन गाड़ी है ये, बिल्कुल जेन्युइन, 55,000 चली हुई है। फर्स्ट टाइम कोई गाड़ी का मुझे मज़ा आया, कोई गाड़ी का मज़ा आया कि यार ये कोई गाड़ी भाई लेके आए हैं। तो लगा अभी इसको मैं थोड़ी सी सेटिंग करनी है, तो मैं इनको भाई को फारग करता हूँ। फिर ये वाला इंजन है इनका, बड़ा कमाल सोन सुन हर चीज़ ज़बरदस्त सेटिंग हो गई है। इनके V15 इंजन है, माशाल्लाह सेटिंग होगी। इसके प्लग मैंने चेंज कर दिए हैं। इस गाड़ी के अंदर छोटे छोटे फॉल्ट थे डिस्ट्रीब्यूटर का, कारपेट के अंदर फॉल्ट है, कारपेट खोले बगैर ही मैंने गाड़ी इनको ठीक करके दी है, ट्यूनिंग शूनिंग की। इनकी कुछ चीज़ों के अंदर फॉल्ट था, वो मैंने इनको निकाल के दिया है। जेन्युइन कारपेट लगा हुआ है, ये बाद में कारपेट नहीं लगा हुआ इसका, इसकी थोड़ी सी मैंने एडजस्टमेंट करनी थी गाड़ी की, तो बाद में इनको मैं देता। पीछे ये साइलेंसर दूसरा लगाया हुआ है इन्होंने, ये वाली गाड़ी है। इसके टैपलो के अंदर फर्क था गाड़ी है। हाँ जी, अब माशाल्लाह साउंड भी ठीक है, मिसिंग भी कोई नहीं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना, इस चैनल का भी। ओके, अल्लाह हाफिज़, ठीक है।